हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आज जिनको ये करना है एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन, उनके पास की मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो एक इस पेज का एंड एक इस सैम्पल स्लाइड का। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो एक फोन पे इसको पॉज करके रख लो और साथ में अपना खुद पहले क्रिएट करो, उसके बाद मैं जैसे आपको स्टेप्स बता रही हूँ उसके साथ मैच करके देखो कि आपकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो इस पेज का और एक इस पेज का। ये आज का आपका क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं फर्दर इस वीडियो में, ठीक है। एक बार मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हमें स्लाइड बनानी है, टाइप कौन सा लेना है, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। उसके बाद जो फॉन्ट है वो मैंने मेंशन कर दिया, टाइटल का क्या साइज रहेगा और जो नीचे टेक्स्ट है उसका क्या साइज रहेगा। बोल्ड करना है टाइटल को, फुटर अटैच करना है और ये बाकी जो फॉर्मेटिंग दी रखी है वो आपको करनी है, ठीक है। मैंने एक बार आइडिया दे दिया, अभी हम साथ में ही स्लाइड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले खुद ट्राई करो, देन उसके बाद अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ आता आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम करेंगे पावर पॉइंट स्लाइड को रिप्रोड्यूस। जो स्लाइड है वो आपने देख ली है, अभी हम आपको करके दिखाऊंगी कि हम स्लाइड को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्या इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो हमें स्टाइल की जो स्लाइड है उसकी टाइप लेनी है टाइटल एंड कंटेंट वाली, तो हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम टाइटल एंड कंटेंट ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आप इजिली क्या करना, सबसे पहले जो भी टेक्स्ट गिवन है उसको सबको टाइप कर लेना। पहले जो एडिटिंग है वो हम सारी एक बार में बाद में कर देंगे, जिससे जो आपका टाइम है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो सभी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो जितना भी कंटेंट है जो भी है उसको टाइप कर लो। पहले सब कुछ बाद में लगाना है हमें, सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको हम क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। तो आप भी जो भी गिवन है वो मैं आपको पहले शो कर दिया, वीडियो को पॉज करके उसको आप टाइप अप कर लें, ठीक है। उसके बाद जो ये बुलेट्स है ना, बुलेट्स को साथ साथ लगा दो, जिससे क्या है आपका टाइम बाद में ना वेस्ट हो। अभी हमारा सारा टाइपिंग वर्क डन है, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि जो फॉन्ट का जो स्टाइल है दैट शुड बी बुकमैन ओल्ड स्टाइल, और जो साइज है टाइटल का स्पेसिफिकली वो होना चाहिए 38.5। तो हम सारे टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टाइप है वो हमें करना है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बुकमैन ओल्ड स्टाइल, और जो साइज है वो हमें करना है 38.5। तो 38.5 हमने इसका साइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला कंटेंट है उसका भी सेम ही होना चाहिए, तो उसको सेम हमें सिलेक्ट करके बुकमैन ओल्ड स्टाइल तो करना है, बट यहाँ पे जो नीचे वाला है टेक्स्ट उसका जो साइज है दैट इज गिवन 18, तो हम साइज यहाँ पे कर देंगे 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है फुटर, तो हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, यहाँ पे हेडर एंड फुटर की ऑप्शन होगी। फुटर में हमें लिखना है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो मैं फुटर को भी अप्लाई टू ऑल करके इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे जो उन्होंने फॉर्मेटिंग की हुई है और ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में इन्होंने नेम एंड बॉक्स को इंसर्ट किया हुआ है, तो मैं ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगी और जो ये वाली हेडिंग है इसको भी नीचे कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन होगी, हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और एड अप करेंगे अपना जो भी स्पेसिफिकली आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। नेम एंड रोल नंबर हो गया। अब एक और चीज, जो यहाँ पे आपको जो लेआउट दिख रहा होगा उस पर अंडरलाइन है जो हमारी हेडिंग है, और हेडिंग बोल्ड तो इन्होंने मेंशन किया है बट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करना है, बट ऊपर इन्होंने ये वर्डिंग दे दी कि जो फॉर्मेटिंग होगी वो एज पर द टेक्स्ट होगी जो सैम्पल स्लाइड में गिवन है। तो दैट मीन्स जो आपका हेडिंग है बोल्ड वाला उसको आपको बोल्ड तो करना ही है, साथ में अंडरलाइन भी करना है। अब लास्ट स्टेप बचाता है इसका, आप देख रहे होंगे कि सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी तक एक पॉइंट पे आ रहा है, डिजायरेबल नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कैसे होगा, आप यहाँ पे जाओगे
डिजाइन के ऑप्शन पे, वहां पे पेज सेटअप का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से हल्की सी जो विड्थ है उसको आप इंक्रीज कर दो। तो अभी भी मई तक आ रहा है, थोड़ा सा और हमें विड्थ इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम थोड़ा और विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो सैम्पल स्लाइड है उसके जैसे ही जो स्लाइड है वो हमारे पास क्रिएट हो गई है। अगर आपको लगे कि जो ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट है आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो आप इसका थोड़ा सा साइज, फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज अप कर सकते हो। बाकी जो स्लाइड है जैसे आपको सैम्पल स्लाइड में गिवन है बिल्कुल डिट्टो वैसे क्रिएट हो गई है। थोड़ा सा जो नेम रोल नंबर है वो इस साइड आप कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके कंट्रोल एस प्रेस कर देना, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो उसको, ठीक है। Till then, stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe. आप देख सकते हो कि जो ये मैंने बनाया है, that is made in 4 minutes approximately. तो आप easily exam में 2 slides 10 minutes में cover up कर सकते हो, ठीक है? एक जो last point हम miss out कर रहे हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूं, जिसे आपको दिख रहा होगा, जो loss 2 है, 2 के बाद जो government है, that is in the next line. तो अगर आप इतना concentrate करना चाहते हो, तो हल्का सा इसको इधर करके जो कमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से जल्दी ज्यादा करने की कोशिश करना, रेदर देन हर एक चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से देखने के लिए, ठीक है। उससे बेटर ये है कि ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा टास्क करो, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा भी तो भी आपको इजिली मार्क्स स्कोर अप हो जाएंगे, ठीक है।